وحده سيطوط ومنصور खतरनाक रंग लेगी मिडिल ईस्ट की जंग। हिजबुल्ला ने इसराइल के उड़ाए होश। सुरंगों और रॉकेट लॉन्चरों से हटाया पर्दा। तेल अवीव पर काल बनकर टूटेगी इमाद 4। इसराइल हमास के बीच छिड़े युद्ध में हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर दबाव बना रहा है। अपने खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों से इसराइली एयर स्पेस में घुसकर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला लड़ाके लगातार इसराइली सेना और उनके ठिकानों पर रॉकेट बरसा रहे हैं। बीते दिनों इसराइली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के कई कमांडर के मारे जाने से तिलमिलाया हुआ है। लिबनानी समूह ने इसराइल को खतरनाक परिणाम भुगतने तक की चेतावनी दे रखी है। तनाव बढ़ता देख अमेरिका भी इसराइल को लेबनान से संघर्ष ना बढ़ाने की हिदायत दे चुका है। बावजूद इसके दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं हिजबुल्ला भी अपनी ड्रोन पावर से इसराइल को चकमा दे चुका है। उसके कई ड्रोन इजरायली ठिकानों की रेखी कर चुके हैं। दावा है कि इसराइल पर हमले से पहले हिजबुल्ला ने इसराइली सेना के अहम ठिकानों की मैपिंग पूरी कर ली है। वहीं लेबनान और इसराइल में सीधे युद्ध के खतरे के बीच हिजबुल्ला ने अपनी ताकत फिर से नुमायाँ की है। लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने एक वीडियो जारी कर इसराइल समेत उसके पश्चिमी सहयोगियों की नींद हराम कर दी है। वीडियो में हिजबुल्ला ने लंबी अंडरग्राउंड टनल और खतरनाक रॉकेट लॉन्चरों के साथ एक बड़े मिसाइल कॉम्प्लेक्स इमाद 4 से पर्दा हटाया। हिजबुल्ला ने इमाद 4 फैसिलिटी का प्रदर्शन करते हुए 4 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो जारी किया है। फुटेज में समूह ने अपनी अंडरग्राउंड सर्विस का खुलासा किया। इसमें बड़ी सुरंगों में बड़े रॉकेट लॉन्चर और सैन्य उपकरण देखे गए। वीडियो में लड़ाकों को सुरंगों में मोटरसाइकिल चलाते हुए भी दिखाया गया है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि ये सुविधा न सिर्फ इसराइल की टोही ताकतों से छिपी है बल्कि संभावित हमलों के खिलाफ भी सुरक्षा देती है। वीडियो में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का बयान भी सुना जा सकता है कि प्रतिरोध के रॉकेट उत्तर में किरियत शमोनाक से लेकर दक्षिण में इलियट तक पूरे फिलिस्तीन इलाके को कवर करते हैं। वीडियो में मिसाइलों से लदे ट्रकों को टनल में घुसते हुए देखा जा सकता है। मिसाइल ट्रक लॉन्चिंग पॉइंट पर आकर तैनात दिखते हैं। दावा है कि हिजबुल्ला ने वीडियो जारी कर इसराइल को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। हिजबुल्ला ने वीडियो के जरिए अपनी सैन्य ताकत का जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो इसराइल और उसके सहयोगी देशों के लिए जरूरी खतरे की घंटी की तरह है। इसके अलावा वीडियो में हिजबुल्ला के सैन्य नेता इमाद मुगनिये की तस्वीर भी दिखाई गई है, जिसकी साल 2008 में सीरिया में हत्या की गई थी। वहीं उनके उत्तराधिकारी फौज शुक्र थे, जिसे इसराइल ने 30 जुलाई 2024 को बेरूत एयर स्ट्राइक में ढेर किया था। वीडियो में हसन नसरल्ला ये भी दावा कर रहा है कि इलाके में समूह के आने के बाद से प्रतिरोध पहले से कहीं अधिक मजबूत है। बताते चले कि इमाद 4 में एक अत्याधुनिक टेक्निकल सिस्टम और एक सुरक्षित संचार नेटवर्क है जो इसे बाहरी दुनिया से जोड़ता है। इसे मिनटों के अंदर ही लॉन्चिंग की कमांड मिल जाती है। अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर नेटवर्क के संचार को ज्यादा इनक्रिप्ट किया गया है। हिजबुल्ला के हथियारों की खदान में दर्जन भर से ज्यादा देखे गए जो भारी भरकम 220 और 303 कैलिबर रॉकेट को लॉन्च करने का मद्दा रखते हैं। हिजबुल्ला के हालिया वीडियो पर इजरायली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली मीडिया ने चेतावनी देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि हिजबुल्ला की ओर से जारी किया गया वीडियो उसकी विशालकाय ताकतों का एक छोटा सा नमूना भर ही है। इजरायली न्यूज वेबसाइट कीपा ने कहा कि एक विशाल सुरंग के अंदर से हिजबुल्ला ने इसराइल को एक संदेश के साथ एक एडवांस मिसाइल सिस्टम का खुलासा करते हुए अपना साइकोलॉजिकल वार जारी रखा है। वहीं एक और मीडिया आउटलेट मिवस्क लाइव ने कहा, हिजबुल्ला ने लॉन्च करने के लिए तैयार मिसाइलों से लैस एक अंडरग्राउंड मिसाइल शहर का खुलासा किया है। फिर भी इजरायली सुरक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के अधिकृत तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये वीडियो बढ़ते क्षेत्रीय तनाव की पृष्ठभूमि में आया है। इसका मकसद इसराइल को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बढ़ाना है। ऐसे में हिजबुल्ला का हालिया वीडियो इसराइल को लेबनान पर हमले करने के फैसले को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है।